मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का यह कमेंट है, आप फी स्ट्रक्चर पे भैया वीडियो एक बनाओ। बिल्कुल ही अब फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी कि बिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया, सभी में फी कितना लग सकता है। तो देखो यार, अभी हम जो फी स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं ओनली फर्स्ट सेमेस्टर का ही फी स्ट्रक्चर कहला सकता है, यानी कि एडमिशन टाइम का फी स्ट्रक्चर कहला सकता है। उसके बाद एडमिशन लेने के बाद में आपका सभी का फी कम हो जाएगा। सही सुन रहे हैं, सभी का फी कम हो जाएगा, तो वह आपको कॉलेज में जाने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन एडमिशन टाइम कितना लगेगा उस पर डिस्कस कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैसा कितना लेकर एडमिशन टाइम जाएंगे इस पे डाउट में रहते हैं, यानी कि उनका कन्फ्यूजन रहता है। तो कन्फ्यूजन दूर होगा तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंजीनियरिंग सेक्शन से। इंजीनियरिंग सेक्शन में कोई भी ब्रांच लेना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद में मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सभी के लिए एक ही फी है। अप्रॉक्स मैक्सिमम आपका हाईएस्ट एडमिशन फी 4,000 जाने वाला है, उसके बाद में हॉस्टल फी 4,200 जाने वाला है, मेस फी 3,000। यानी कि आप कॉलेज में 10,000 अप्रॉक्स इंजीनियरिंग ग्रुप के स्टूडेंट लेकर जाइएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, उसमें पैसा बच भी जाएगा, क्योंकि कैटेगरीज वाइज छूट भी मिलती है, लेकिन 10,000 अप्रॉक्स लेकर जाना है। चलिए अब नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं, वी फार्मा वाले स्टूडेंट। तो वी फार्मा वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कॉलेज में कितना लेके जाना है, तो कॉलेज में अप्रॉक्स 11,000 के करीब लेके जाना है, जिसमें उनका एडमिशन हो जाए। अब इसमें एडमिशन फी 6,000 लगता है, 5,000 हॉस्टल फी लगता है, 3,000 मेस का है, जो बाद में आप देंगे मंथली वाइज होता है। और जो मैंने एडमिशन फी हॉस्टल फी बताया, 6 मंथ के लिए पूरा फ्री हो जाइएगा। अब आते हैं एग्रीकल्चर ग्रुप में। एग्रीकल्चर ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं अप्रॉक्स 12,000 रुपया लेकर जाएंगे कॉलेज में। अब 12,000 में क्या क्या रहेगा, तो हॉस्टल फी और एडमिशन फी दोनों रहेगा, उसी में रजिस्ट्रेशन भी रहेगा, लेकिन मेस का अलग से इंक्लूड होता है, जो आप जब हॉस्टल ज्वाइन करेंगे तब लेकर जाइएगा 3,000 रुपया। चलिए उसके बाद आता है फिशरीज और डीटी वाले स्टूडेंट। तो फिशरीज और डीटी वाले स्टूडेंट है, तो डीटी के लिए आपको कम से कम डीटी माने डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए 20,000 अप्रॉक्स लेकर आना होगा। 20,000 में आपका एडमिशन हो जाएगा, उसी में हॉस्टल फी रहेगा, उसी में हम बता दें तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइब्रेरी फीस सब कुछ रहेगा, लेकिन मेस फी को छोड़कर। अब फिशरीज वाले स्टूडेंट है, फिशरीज वाले स्टूडेंट 11,000 रुपया अपने कॉलेज में लेकर जाइएगा, एडमिशन हो जाएगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी में एडमिशन फी है, उसके बाद हॉस्टल फी है। अब पीएचआई में जो भी ब्रांच है, जैसे में आपका हो गया ओटी टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद में बीआरटी टेक हो गया या बीएमएलटी हो गया, सभी में आपका 12,000 के अप्रोक्स में लगेगा। 12,000 में 6,000 आपका 7,000 आपका हो गया एडमिशन फी, बाकी हॉस्टल फी हो गया। तो मैं पीएचआई के जितने भी स्टूडेंट हैं वह सभी इतना 12,000 अप्रॉक्स लेकर कॉलेज में जाइएगा पैसा, तो आपका एडमिशन होने में दिक्कत नहीं होगा, पैसा से रिलेटेड दिक्कतें नहीं आएगी। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो उनको 10,000 लेकर जाना है, अप्रॉक्स 10,000 लेकर जाना है, जिससे उनका एडमिशन टाइम दिक्कत ना हो। हॉस्टल ज्वाइन कमें आपको 5,000 रुपया लेकर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट आपको सभी कॉलेज में अलग अलग लगेगा, जैसे टॉप कॉलेज में बात करें तो 11,000 ही रुपया लगेगा, लेकिन वीआईएमएस का 13,000 लगेगा, उसके बाद भागलपुर बीएससी नर्सिंग कॉलेज है उसको आपको देना पड़ेगा 13,000 रुपया। और उसके बाद में आपको बता दें सहरसा जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें आपको कितना देना पड़ेगा, तो उसमें भी 13,000 के अप्रॉक्स देना पड़ेगा। अभी भी कोई डाउट बच गया सभी कमेंट कर दो, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।